हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष। आज न्यू टेक का वीडियो लेके आज हम आज का टेक का टॉपिक होने वाला है TWS ट्रू वायरलेस स्टीरियो। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले TWS के कुछ टिप्स के बारे में। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपको परचेस करते समय ध्यान रखना है, और साथ ही मैं कुछ TWS बताऊंगा 2000 से 3000 के बीच में जो कि काफी अच्छे हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। TWS बहुत लोग खरीद लेते हैं पर बहुत कुछ उनको नहीं पता होता है, जैसे कि साउंड फॉर्मेट, उनका इनकोडिंग डिकोडिंग फॉर्मेट क्या है। तो पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, कैसे TWS काम करता है, और फिर कुछ ये कुछ ही इन्फॉर्मेशन आगे बहुत काम आएगी अगर आपने पूरा वीडियो देखा। तो आज से आप जब भी TWS खरीदेंगे अपने लिए, तो आप बेस्ट TWS खरीदेंगे, आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ अमेजॉन पेज ही पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट नंबर वन है कि जो TWS होता है उसके अंदर 5 तरीके की डिकोडिंग हो सकती है। आपको जो फोन होता है वो 5 तरह की इनकोडिंग कर सकता है। मींस जो भी आपका साउंड है, जो भी आपका ब्लूटूथ है, उसके साथ एक और चिपसेट लगा होता है जो कि इनकोडिंग या डिकोडिंग करता है। तो जब आप TWS के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो इनकोडिंग कर रहा होता है, मींस आपके जो सॉन्ग है उसको ऐसे सिग्नल में कर रहा होता है कि TWS आपको रिसीव कर ले। तो कुल मिला के 5 तरीके की इनकोडिंग की जा सकती है। AAC, SBC, LDAC ये बाय सोनी है, APTX बाय क्वालकॉम है, और APTX LL ये लो लेटेंसी के लिए होती है। इसको अभी तक किसी भी कंपनी ने यूज नहीं किया। अगर इसको यूज किया तो उस TWS की लेटेंसी 40 ms तक की जा सकती है। जो APTX LL है इसको क्वालकॉम ने डिजाइन किया पर अभी तक कहीं यूज नहीं हुआ, इंडर टेस्टिंग है पर आ जाएगा बहुत जल्दी। तो बात करते हैं SBC की और AAC की। तो ये बहुत ही कॉमन फॉर्मेट्स हैं इनकोडिंग और डिकोडिंग के। तो ये जो है ये आपको 1500 रुपए 500 रुपए वाले TWS में भी देखने को मिलेंगे। TWS ही नहीं बल्कि जितने भी ब्लूटूथ स्टीरियो सिस्टम आते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। वो क्यों ना आपका नेक बैंड हो, आपका हेडफोन हो, आपका TWS हो, नेक बैंड कुछ भी हो, कुछ भी उसमें ये फॉर्मेट यूज किया जाएगा, तभी वो इनकोडिंग डिकोडिंग कर सकता है। तो सबसे पहले आप कोई भी TWS लेने से पहले आपको ये चेक करना है कि जो भी आपका फोन है वो कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करता है। OnePlus के फोन सारे फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, Samsung की S सीरीज और Note सीरीज सारे फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी लोग अपना फोन का मॉडल इन गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जैसे Samsung एग्जांपल लेते हैं, Samsung Galaxy A70s साउंड फॉर्मेट सपोर्टेड। तो जो जो फॉर्मेट सपोर्ट करता होगा ये फोन, वो सारे साउंड फॉर्मेट आपको गूगल सर्च करके दिखा देगा, आपको पता चल गया कि आपका फोन कौन सा सपोर्ट करता है। जैसे कि A70s SBC और AAC सपोर्ट करता है। तो SBC और AAC एक बहुत ही कॉमन है। SBC तो एकदम लोअर ग्रेड का होता है, इसमें जो साउंड क्वालिटी होती है वो बस 320 kbps की होती है। पर जो AAC होता है, हाँ वो जनरल होता है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें क्या होता है, काफी हद तक साउंड क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और हार्डवेयर भी कम अच्छा है तो भी काम चल जाता है। तो अब आपको ये पता करना है कि आपके फोन में कौन सा, वो आप गूगल से पता कर सकते हैं कि आपका फोन कौन सा साउंड फॉर्मेट सपोर्ट करता है। जब आपको ये पता चल चुका है कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करता है, तो आपको अपने बजट डिसाइड करना है, उस बजट के TWS सर्च करने हैं, Amazon, Flipkart जहां से भी आप खरीदें। फिर आपको उस TWS का ये भी देखना है कि इस TWS कौन सा सपोर्ट करता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल पे लेते हैं नॉइस के X5 Pro। अब आप नॉइस X5 Pro देख सकते हैं, इसमें क्वालकॉम का APTX है जो कि 3300 rupees का अमेज़न पे अवेलेबल है। तो ये जो साउंड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी मानी जाती है, टॉप नॉच की साउंड क्वालिटी है जो आप इस बजट में परचेज कर सकते हैं, तो आप इसको खरीद सकते हैं। और एक और बात, एक और टेक्नोलॉजी होती है जो कि आपको सुना होगा, नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में बताता हूँ, इसमें भी 4 फॉर्मेट होते हैं। एक होता है ANC, एक होता है ENC, एक होता है DSP, एक होता है CVC। तो फ्रेंड्स, जो नॉइस कैंसिलेशन जो होता है ये इन 4 पे काम करता है, AB क्वालकॉम और सोनी बाकी कंपनी ने मिलकर बना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ANC की। ANC मींस होता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। ये क्या करता है, ये जो माइक्रोफोन, जो एक्स्ट्रा माइक्रोफोन्स होते हैं, आपने सुना होगा जैसे एयरपॉड्स मैक्स है उसमें 9 माइक्रोफोन लगे हैं, आपके बड्स में 2-3 लगे होते हैं, जैसे कि गैलेक्सी बड्स में 4 लगे हैं। तो ये इन्हीं का यूज करके जो बाहर की नॉइस होती है इसको डिटेक्ट करके अंदर से माइक्रो प्रोसेसिंग करके उसको 0 कर देता है। तो ये ANC होता है, इसमें जो होता है इसमें काफी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। इसको यूज करने से आपके बड्स की वैल्यू बढ़ सकती है, काफी अच्छी खासी वैल्यू बढ़ जाती है, 7-8 हज़ार रुपए से ये वाले शुरू होते हैं अगर आप किसी ज्यादा अच्छे ब्रांड के साथ नहीं जाते हैं। बात करते हैं ENC की, ये होता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। इसमें भी सेम टेक्नोलॉजी तो नहीं, हाँ इसमें भी जो है इसको इसके जो बड्स होते हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि आपके कान में फिट होने के बाद से काफी 70% आपकी वॉल्यूम जो है बाहर की उसको डाउन कर देते हैं, आप कह सकते हैं एनवायरमेंट की नॉइस को कम कर देते हैं अप टू 70%।
और जब आप ऑडियो प्ले करना शुरू करते हैं तो अप टू 90% रिडक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं डीएसपी और सीवीसी की, तो डीएसपी और सीवीसी आप तब काम करते हैं जब आपका जो फोन होता है, जब आप नॉर्मल कॉलिंग कर रहे होते हैं, किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं या किसी से भी बात कर रहे होते हैं, तो जो आपके फोन में दो माइक्रोफोन होते हैं वो सीवीसी और डीएसपी पे काम करते हैं। डीएसपी एएनसी कुछ सेम ही होते हैं, इनकी जो फंक्शनिंग होती है जो सीवीसी होता है इसका अलग चलता है, ये सिर्फ कॉलिंग में ही काम करता है, जितनी देर आप कॉलिंग पे उतनी देर सीवीसी काम करेगा, उसके बाद सीवीसी काम करना बंद कर देता है। फ्रेंड्स मैंने कुछ 5 TWS निकाले हैं 2000 to 3000 बजट में, 2000 से 3000 के बजट में। हाँ माना मैंने इसमें कि AAC और SBC फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, पर ये काफी अच्छे हैं, अगर आपको मन करे तो आप परचेस कर सकते हैं। और आपको अगर APTX वाला खरीदना, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नॉइस के X5 Pro आप खरीद सकते हैं, वो 3300 रुपीज के हैं, उसमें आपको क्वालकॉम APTX टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, इसमें आप डॉल्बी एटमॉस भी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मैंने निकाला है TWS वो है बोट कंपनी का, जो कि इंडियन कंपनी है, बोट्स एयरडोप्स 441। ये आप अमेजोन से 1999 का परचेज कर सकते हैं, जैसे कि सेल चल रही है। अगर आप इसका ब्लैक कलर लेंगे तो आपको 2200 का पड़ेगा, बाकी कोई भी कलर लेते हैं तो आपको 2000 रुपीज में मिल जाएगा। बात करते हैं कुछ इसके स्पेक्ट्स की, तो इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है बोट्स की तरफ से। इसमें आपको जो ड्राइवर साइज है वो थोड़ा छोटा है, वो 6mm है, आप देख लीजिएगा, वैसे 6mm ठीक है बोल सकते हैं प्राइस को देखते हुए। बाकी 2000 के और भी एक है, आप अगली लिस्ट में देख सकते हैं, पर इसका जो साइज है, इसको बोट लेना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसका जो ड्राइवर साइज है वो 6mm का है। इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, और उसकी जो बात करते हैं बैटरी की, तो पर बड आपको 5 आवर्स की बैटरी मिलेगी, और पूरे केस की बात करें विद केस तो 20 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। टच कंट्रोल मिलेगा, इसमें आपको ENC मिलेगा, ANC नहीं है, मैंने आपको बताया ANC काफी महंगे TWS में आता है, और इससे इसमें ये आप iOS मींस एप्पल और एंड्रॉइड पे यूज कर सकते हैं। सिरी और गूगल असिस्टेंट आप एक्टिवेट कर सकते हैं टच की हेल्प से। जो ये साउंड फॉर्मेट सपोर्ट करता है वो AAC और SBC है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो वो भी काफी अच्छी बात है, आप देख लीजिएगा, अगर आपका मन करे आप अमेजोन से सेल में परचेस कर सकते हैं। जो अगला TWS है वो Realme की फैमिली से है, Realme Buds Air Neo, पुराना है पर अच्छा है, 2000 रुपए में आपको सेल में आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास Realme पॉइंट्स भी अवेलेबल है तो आपको और सस्ता मिल जाएगा, Realme स्टोर पर Realme पॉइंट्स रेडी मिलते हैं, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं एज अ डिस्काउंट, 10-20 तक यूज मिल रहा। अगर आज से भी आप कलेक्ट करना शुरू करते हैं तो अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 10-5 तक। अगर बात करते हैं Realme Buds Air Neo की, तो इसमें भी आपको 1 ईयर की वारंटी फ्रॉम Realme मिल जाता है। इसमें आपको 39mm का ड्राइवर, 5.0 ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, टच कंट्रोल देखने को मिलता है जिससे आप गूगल को सिर्फ एक्टिवेट कर सकते हैं, सिरी को नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको ENC देखने को मिलता है। बात करते हैं इसमें बैटरी की, तो इसका जो केस है उसमें 410mAh की बैटरी है, जो आपको 16 आवर्स तक की ऑडियो प्लेबैक मिल सकता है। और बात करते हैं बड्स की, तो आपको 2 आवर्स का बैटरी बैकअप दे सकता है, मींस 2 आवर तक आपको प्ले कर सकते हैं। अगर इसमें लो लेटेंसी मोड भी अवेलेबल है, जो Realme R1 चिपसेट की वजह से होता है, उससे आप लेटेंसी को 119mAh तक की डाउन कर सकते हैं। इसमें आपको टाइप बी मींस नॉर्मल पुरानी चार्जिंग वाला सॉकेट देखने को मिलता है, बड्स में आपको देखने को मिलता है ओवरऑल 2 माइक इन द TWS। अब बात करते हैं थर्ड की, तो नॉइस से है, नॉइस एयरबड्स काफी लेटेस्ट लॉन्च है, कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है। अगर आपको नॉइस के इफेक्ट्स लेंगे तो आपको 2500 के पड़ेंगे, पर अगर आपको अमेजोन से लेते हैं तो आपको 2300 रुपीज या 2200 रुपीज का मिल सकता है अप टू कैशबैक। तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी आपको काफी अच्छे स्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको जो एक अच्छी चीज देखने को मिलती है वो ये है कि इसमें भी आपको 13mm का ड्राइवर मिलता है, 1 ईयर की वारंटी फॉर्म दी नॉइस मिलता है, 5.0 की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। बात करते हैं अगर बैटरी की, तो आपको 16 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, 4 आवर्स पर बड्स मिलता है, बैटरी बैकअप ज्यादा है कंपेयर टू Realme Buds Air Neo। इसमें आपको जो साउंड फॉर्मेट सपोर्टेड है वो AAC SBC है। इसमें भी टच कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, इससे आप सिरी और अपना गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। गूगल फास्ट पेयर भी अवेलेबल है नॉइस में भी और रियल में भी, रियल मी के काफी तेज पेयर होते हैं किसी भी फोन के साथ, जरूरी नहीं आपके पास रियलमी का ही फोन हो तभी फास्ट पेयरिंग अवेलेबल होगा, और जी नहीं, वो एक गूगल फास्ट पेयरिंग टेक्नोलॉजी है जो कि कोई भी एंड्रॉइड फोन में फास्ट पेयरिंग काम कर सकता है। रियलमी के काफी अच्छे बड्स है, रियलमी बड्स 2 भी लॉन्च होने वाले जनवरी में, अगर आपको वेट करना है तो आप जनवरी तक वेट कर सकते हैं, उसके लीक्स निकल के आ चुके हैं, 100% कंफर्म है कि लॉन्च होगा। ऐसे बड्स में आपको IP रेटिंग भी देखने को मिलती है, IP रेटिंग X4, जो पहला वाला X है
वो यूज होता है डस्ट के लिए, और जो दूसरा वाला वर्ड होता है वो वाटर के लिए होता है। जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ज्यादा रेटिंग अच्छी होती है। इसमें आपको आईपी रेटिंग X4 मिलती है, मींस स्वेट और वाटर रेजिस्टेंट है, पर आपको पानी में मत डुबोइएगा चेक करने के लिए, डस्ट से रेजिस्टेंट नहीं है। अगले TWS की बात करते हैं अगर हम लोग वन प्लस के TWS की, तो वो वन प्लस बड्स वायरलेस जी है, जो अभी लेटेस्ट लॉन्च नहीं 2 महीने पुराना लॉन्च है, लेटेस्ट लॉन्च सॉरी बड़ा हो गया फुट हो गया। तो अगर इसकी बात करते हैं तो उसमें आपको 10 mm का डायनेमिक बूस्ट बास बूस्ट ड्राइवर देखने को मिलता है, 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है, ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, ठीक है 3,000 रुपये में दे सकते हैं आप। इसमें आपको जो साउंड फॉर्मेट मिलता है वो काफी अच्छा है, इसमें आपको डायरेक्ट ऑडियो ट्यून डिजिटल टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि वन प्लस की, जो कि सोनी ने ही बना के वन प्लस को दी थी। तो ये वन प्लस के फोन में भी मिलता है, अगर आपके पास वन प्लस 5 या उसके ऊपर है तो आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को उसमें मिलेगी। ये बड्स में भी है तो आपको आसानी से यूज कर सकते हैं, पर इसको डॉल्बी में आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि वनप्लस ने वनप्लस 7 से शुरू किया था देना, उसके पहले की सीरीज में नहीं अवेलेबल था। तो इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस और डायरेक्ट ऑडियो डिजिटल ट्यून टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, 10 mm का ड्राइवर देखने को मिलता है, टच कंट्रोल मिलता है, ऑप्टिकल सेंसर भी मिलता है जो कि ये डिटेक्ट करेगा कि आपने लगा रखा है कि नहीं। एप्पल के एयरपॉड्स में होता है, अगर आप उसको उतार के रख देते हैं तो ऑडियो रुक जाता है, पहन लेते हैं वियर करते हैं तो फिर वियर डिटेक्ट होता है, वियर डिटेक्ट भी आप बोल सकते हैं। इसमें आपको टाइप सी चार्जर देखने को मिलता है, इसको आप 10 मिनट का चार्ज करते हैं तो ये अप टू 3 आवर्स का बैटरी बैकअप दे सकता है, पर शर्त ये है रखी गई है कि वो जो चार्ज अडेप्टर होगा वो वन प्लस ही का होना चाहिए, क्यों ना वो डैश हो या रैप हो, मीन्स वन प्लस 6 या उसके पहले का हो या वन प्लस 7 या उसके ऑनवर्ड्स का हो, कोई दिक्कत नहीं, पर वो वन प्लस का होना चाहिए, तो आप ये चेक कर लीजिएगा। हाँ, इसमें एक और बात, इसमें आपको आईपी रेटिंग भी मिलती है, आईपी रेटिंग 55 की, तो स्वेट प्लस डस्ट रेजिस्टेंट भी है। और इसका जो नॉर्मल साउंड फॉर्मेट है, मान लीजिए अगर आप वन प्लस नहीं यूज करते तब भी आप खरीदते हैं तो आपको SBC और AAC साउंड फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट ऑडियो ट्यून टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ वन प्लस के फोन में ही अवेलेबल होता है। तो जो अगला इसके बाद है वो है ओप्पो का, ओप्पो एनको W31। ये भी 3,000 रुपए के हैं, अगर इसको ओप्पो के ऑफिशियल वेबसाइट लेंगे तो काफी महंगे पड़ सकते हैं, पर अगर इसको आप अमेजोन से खरीदते हैं तो आप अमेजोन में आपको फ्लैट 3,000 रुपीज में आप आराम से ले सकते हैं। करते हैं अगली TWS की है, तो वो होने वाला ओप्पो का ओप्पो एनको W31 फॉर 3,000 रुपीज ओनली। अगर इसको ओप्पो की वेबसाइट से ओप्पो स्टोर से लेंगे तो आपको काफी महंगा पड़ सकता है, 3,500-4,000 तक का पड़ेगा, पर इसको आप अमेजोन से लेंगे तो आपको 3,000 रुपए का मिलेगा, जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। और सोचिएगा कि सस्ता है तो जेन्युइन नहीं, जेन्युइन प्रोडक्ट है, वहां क्यों सस्ता है ये तो नहीं पता, पर सस्ता है इतना पता है। बात करते हैं स्पेक्स की, तो इसमें आपको 7 mm का ड्राइवर मिलता है, पर काफी अच्छा ड्राइवर है ओप्पो के, जो मैंने ईयरफोन यूज किए, मैंने आज तक ओप्पो के TWS तो नहीं यूज किए, पर जो ईयरफोन यूज किए वो काफी अच्छे होते हैं, 7 mm का ड्राइवर उसमें भी होता है, पर उसका जो साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है, वो काफी अच्छा होता है। तो 7 mm का ड्राइवर देखने को मिलता है, इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, आपको इसकी जो बैटरी बैकअप है पर बट्स 3.5 आवर्स मिलेगा, ओवरऑल 15 आवर्स मिलेगा विद केस। बात करते हैं अगर इसमें आपको टच कंट्रोल मिलता है, इसमें भी आपको वियर डिटेक्ट सेंसर मिलता है, मींस ऑप्टिकल सेंसर मिलता है, जब आप लगाएंगे तो वो प्ले होगा, आप हटा के रख देंगे तो प्ले होना रुक जाएगा। इसमें भी आपको टच कंट्रोल मिलता है, आप टच कंट्रोल करके एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, सीरी में नहीं काम करेगा, नॉट फॉर iOS। अगर आप iOS यूज करते हैं, अगर उसको पेयर करते तो प्ले होगा साउंड, मैंने ये नहीं कर रहा प्ले नहीं होगा, साउंड प्ले होगा, पर आप सीरी को नहीं एक्टिवेट कर सकते अगर आपके पास ओप्पो एनको W31 अवेलेबल है। बात करते हैं अगर इसकी आईपी रेटिंग की, तो इसमें आपको आईपी रेटिंग 54 मिलती है, जो ये साउंड फॉर्मेट सपोर्ट करता है वो AAC है और SBC है, इसमें आपको कोई भी स्पेशल नहीं मिलता है, इसमें आपको ड्यूल माइक्रोफोन मिलता है, मींस पर बड्स पर सिंगल माइक्रोफोन, तो AB ले सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग इससे अच्छा आपको वन प्लस के साथ जाना चाहिए। वन प्लस वाले में आपको आईपी रेटिंग में 55 देखने को मिलती है, 10 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको उसमें 3 आवर्स का सपोर्ट मिलेगा, तो वो भी काफी अच्छी बात है, और उसमें आपको जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको डॉल्बी एटमॉस मिलती है, तो अगर आपके फोन के में डॉल्बी एटमॉस भी है तो भी आपको ओप्पो के साथ नहीं जाके वन प्लस के साथ जाना चाहिए। बाकी आपकी पसंद है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पसंद आया, क्या आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पहले पता था कि TWS कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, कैसे काम करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी किस कंपनी की है। अगर पता था तो कमेंट करके नहीं बताइए, और नहीं पता था तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी लेकर कैसा लगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा TWS परचेस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।